तो देखो भाई, इस गाड़ी का वॉशिंग फुल तो चालू है और कितना मतलब 6 महीने का जो क्या बोलते हैं, 6 महीने का जो धूल मिट्टी है सब। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला देखो यार, ये पूरा यहाँ पर स्क्रैचेस आ गया है गाड़ी पे। ये परसुदी सर छोटा मोटा चीज़ हम लोग को करवाना होगा गाड़ी का, तो चलो जैसे निकलता है। मतलब लिटरली कुछ नहीं है, कुछ नहीं, देखो पूरा घिस चुका है, कुछ नहीं है। और बहुत क्लोज है हम 1K के, तो अच्छे से सपोर्ट करो। और अगला अगर आपको चाहते हो कि हम एक्टिवा पे मॉडिफिकेशन करें तो प्लीज़ कमेंट डाउन दिलो, तो हम एक्टिवा। गाड़ी पे क्या क्या हुआ है परसों दिन को, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला देखो यार, ये पूरा यहाँ पर स्क्रैचेस आ गया है गाड़ी पे। ये परसों दिन जो गाड़ी गिर गया था, तो ये उसके कारण आया है। और थोड़ा बहुत ये भी हुआ है, और साइड के साइड पे तो बहुत सारा स्क्रैचेस हो गया है यहाँ पर तो। और गाड़ी का तो हालत ओवरऑल पूरा ख़राब हो चुका है, इतना डस्ट मिट्टी पड़ चुका है। तो अभी हम जाएंगे जल्दी से और शोरूम पे देंगे, और कुछ कुछ चीज़ लगाना है जैसे आप लोगों को दिखा देता हूँ। पीछे का ब्रेक तो एकदम नहीं है, देखो यार पूरा दब जा रहा है, ब्रेक सुबह कुछ नहीं है, पूरा घिस चुका है। तो यही सब छोटा मोटा चीज़ हम लोग को करवाना होगा गाड़ी का, तो चलो जल्दी से निकलते हैं और शोरूम पे जाके आप लोग से मिलते हैं। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं सर्विस कराने, और मैं आ चुका हूँ अपने वही जगह पे, सी मोटरवेज पे। गाड़ी का सर्विस होगा भी फुल टू। तो देखो भाई, गाड़ी का वॉशिंग फुल टू चालू है, और कितना मतलब 6 महीने का जो क्या बोलते हैं इसको, 6 महीने का धूल मिट्टी है सब एक साथ निकल रहा है, ठीक है। और गाड़ी का वॉशिंग चल रहा है, इसके बाद इसको धोने के बाद इसका फोम वॉश होगा। इस गाड़ी पे पूरा फोम लग चुका है, फोम ही फोम। अब इसको वॉश करेगा अच्छे से। तो वैसे अपना गाड़ी का फाइनली वॉशिंग डन हो चुका है, और गाड़ी बहुत अच्छा चमक रहा है। 6 महीने बाद गाड़ी वॉश कराया वो, मतलब सोचो यार, मतलब गाड़ी पे कोई इतना टॉर्चर करता है, हम लोग खुद रोज़ नहाते हैं और इसको 6 महीने बाद। तो फिलहाल देख लो कैसा शाइन मार रहा है गाड़ी। कुछ फॉल्ट है वो हम बताएंगे, फॉल्ट बताने के बाद एकदम उसका गाड़ी का अच्छे से काम होगा, मोबिल चेंज भी होगा। तो उसको चेंज करने के बाद फिर ब्रेक शू भी चेंज होगा, तो सब कुछ चेंज होगा। आप लोगों को बताऊंगा मैं डिटेल्स, और कितने क्या खर्चे वो भी आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइस, ये जो हमारा इंडिकेटर का बल्ब था, ये जल चुका है, कम्प्लीटली जल चुका है। देखो एक साइड, ये इसका ओरिजिनल साइड देखो, पूरा कम्प्लीटली जल चुका है, और वो नया फिटिंग हो रहा है। और क्या क्या है, और यहाँ पर है ब्रेक शू और लीवर गार्ड, जो कि हम लगाने वाले हैं। फिलहाल तो अभी गाड़ी का मुख्य चुका है और नया फिटिंग हो रहा है, और दूसरे और भी काम कर रहा है। अगर ये छोटो से भैया पीछे का ब्रेक शू बोले डिसीजन तो नहीं भी बना, देखो दायित्व नहीं था आपके पास। ओरिजिनल सो गाइस, पीछे का चक्का खुल चुका है और ब्रेक शू भी लग रहा है गाड़ी का, और वो देखो मोबिल उधर है। तो ब्रेक शू मेरा पूरा जो है पूरा ख़त्म था, तो इसलिए नया ब्रेक शू हम लगा रहे हैं। ब्रेक शू पहले मैंने 3-4 महीना पहले ही खरीद रखा था, पर लगाने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज हम लगा दिए फाइनली। और वो रहा हमारा मोबिल, तो इंडिकेटर ठीक हो चुका है भाई, और कुछ कुछ चीज़ और बोलेंगे ठीक कर देने, तो उसके बाद ही हम लोग का कम्प्लीट हो जाएगा सर्विस। गाइस देखो, पहले का जो ब्रेक शू था, देखो यार आप लोग, मतलब लिटरली कुछ नहीं है, कुछ नहीं, देखो पूरा घिस चुका है, कुछ नहीं है। जैसे हम लोग लगा के घूम रहे थे फिलहाल, तो अभी नया लग चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो गाइस, एयर फिल्टर का हालत मतलब कितना मैल हो चुका है, देखो। ये क्लीन करने से अच्छा है कि इससे नया लगवा लो, क्योंकि यार बहुत गंदा हो चुका है, देख लो।
एयर फिल्टर का हालात आपने देखा अभी, शायद हम नया शायद नहीं नया ही लगवाएंगे। और बस तो गाड़ी इनकम्प्लीट है, एयर फिल्टर लगवाएंगे, देखते हैं कि है कि नहीं, ये तो मंगवाना पड़ेगा, देखते हैं। जो एयर फिल्टर है वो नहीं मिला तो उसके बाद मतलब जोड़ा वाला लगाना पड़ा, तो अभी हम लगा लेते हैं, हफ्ता एक हफ्ता के अंदर हम नया फिल्टर ले आएंगे, फिल्टर लेके चेक कर लेंगे। और अभी हम कुछ और बाकी है थोड़ा बहुत, तो सब मेरा चक्कर कम बाकी है और सेल्फ कम हम वो जल्दी से करेंगे, उसके बाद फाइनली मिलते हैं। One eternity later. तो वैसे अपना गाड़ी का काम फाइनली कम्प्लीट हो चुका है, सिर्फ लीवर गार्ड लगाना बाकी है अभी। और अभी हम बाहर खड़े हैं और भैया गाड़ी देखने गया है, गाड़ी ठीक है कि नहीं। अरे भाई हमारा गाड़ी आ रहा है, ठीक है जी, लीवर गार्ड देखे ना उसे, अभी लीवर गार्ड लगाना बाकी है, उसके बाद कम्प्लीट हो चुका है गाड़ी का काम, बिल देंगे और फिर निकल जाएंगे। सो गाइस फाइनली गाड़ी हम लोग का देख सकते हो रेडी हो चुका है, गाड़ी पे सिर्फ एक ही नया चेंज हुआ है जो कि है इसका लीवर गार्ड्स। तो मैंने लीवर गार्ड्स इसलिए इंस्टॉल किया क्योंकि यार लास्ट डे आप लोगों को पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैंने ये लगाया कि जैसे गाड़ी जीते तो स्क्रैचेस ना आए, बहुत सारा स्क्रैच आया था इसीलिए। और फिलहाल तो बाकी सब कुछ हो चुका है, सामने का चक्का पूरा ठीक, ये मेजर था तो, और जो सब है गाड़ी एकदम चमक रहा है नया की तरह। और ये देखो ये थोड़ा बेंड हो गया था इस साइड से, देखो देखो बेंड हो गया है ये थोड़ा, कोई बात नहीं। और बाकी तो एकदम गाड़ी का लुक एकदम प्रॉपर आ चुका है, बहुत अच्छा। तो यही था तो आज का वीडियो पे बस इतना ही गाइस। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बहुत क्लोज है हम 1K के तो अच्छे से सपोर्ट करो। और अगला अगर आप लोग चाहते हो कि हम एक्टिवा पे मॉडिफिकेशन करें तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, तो हम एक्टिवा पे अपना मॉडिफिकेशन करेंगे। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और राइड हार्ड। All right, it's so good.